everyone. So today in this video we'll begin with the covalent compound part third of chemical bond. First and second part already completed of chemical bond chapter. So let's begin covalent compound. So covalent compounds are divided into two parts. First is polar covalent compound and second is non-polar covalent compound. हम पहले बात करते हैं कि polar covalent compound क्या होता है. पहले हम एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे कि ये एक एटम है और ये एक वाई एटम है. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या है ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाया है डिटेल में, और फर्स्ट पार्ट में मैंने इलेक्ट्रोवेलेंट विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करवाया. उसको पहले आप देख लीजिए, तभी आपको पार्ट समझ में आएगा. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होना, उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, जैसे कि ये एक्स है, ये एक्स अपने दो जो इलेक्ट्रॉन है वो दे रहा है, अपने दो इलेक्ट्रॉन वाई को दे रहा है. ऐसे जो एक्स है ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, और एक्स क्या बन रहा है? पॉजिटिव. और जो वाई है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, और वाई क्या बन रहा है? नेगेटिव. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है वो उसके उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है. ठीक है, जैसे कि अब ये देखो, जो एक्स है ये एक्स अब लूज़ कर रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव का, स्लाइटली पॉजिटिव का चार्ज आएगा. और ये और जो ये जो एक्स वाई है इस पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव का, स्लाइटली नेगेटिव. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, अगर वाई के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, तभी इसने जो दो इलेक्ट्रॉन्स इसको एक्स दे रहा था, तभी इसने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाए. मींस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए. अगर वाई के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, तभी इसने दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स के गेन किए, तभी ये नेगेटिव इस पर साइन आया. ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्पल लेकर HCl की. HCl दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, जैसे कि अब H है, H और Cl इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग. ठीक है, जैसे कि ये जो H है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और ये खुद तो बन जाएगा पॉजिटिव, और जो ये क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन एच से गेन करेगा, और ये खुद क्या बन जाएगा? नेगेटिव, सी एल नेगेटिव. तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव का, स्लाइटली नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें डाइपोल मॉलिक्यूल क्या होता है. डाइपोल मॉलिक्यूल, हमने ये तो किया हुआ है कि डाई मीन्स टू होता है और ट्राई मीन्स थ्री होता है ना. तो अब हम बात करते हैं डाई की. डाई मीन्स टू मीन्स एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज दैट इज़ कॉल्ड डाइपोल मॉलिक्यूल. इस पे इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ये स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज. चाहे आप स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव भी कह सकते हो. ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइपोल मॉलिक्यूल. ठीक है, अब हम इसके कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं. कंडीशंस ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये सी सी मीन्स कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है? इसकी फर्स्ट कंडीशन है इसके पास चार्ज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मीन्स इसके पास पॉजिटिव है और इसके पास नेगेटिव है. ठीक है, मीन्स चार्ज का कुछ पता नहीं चलता, इसके पास ज़्यादा है और इसके पास कम है.
तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैटर्स मोस्ट इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पीसीसी मींस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मींस अनबैलेंस्ड, मींस इसके पास ज़्यादा चार्ज है और इसके पास कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो वो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। और फिर इसके एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल HCl, NH3 और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होते हैं इसकी, ठीक है। तो ये हमने बात की है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की। अब नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, सीसी मींस कोवेलेंट कंपाउंड। अब नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका ओपोजिट है, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको बताती हूँ एग्जांपल नॉन पोलर की। जैसे कि हम अल्फ़ाबेट से ले रहे हैं, ये बी एटम है और ये भी बी एटम है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग है उनका जो नेचर है, इसका नेचर और इस एटम का नेचर है जो सेम है, और इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम अगर चाहे हम लेते हैं H2, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, ठीक है, इसका जो नेचर होगा इस हाइड्रोजन का वही इस हाइड्रोजन का नेचर होगा, ठीक है, इसमें भी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसमें भी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा मैटर करता है, और जो नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अब हम इसके कंडीशंस की बात करते हैं, कंडीशंस ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसके फर्स्ट कंडीशन क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कैसे, अगर इसके पास पॉजिटिव होगा तो इसके पास भी पॉजिटिव होगा, अगर इसके पास नेगेटिव होगा तो इसके पास भी नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देन सेकेंड वन इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैटर, ठीक है, मींस इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चाहिए ही नहीं, जो इसके पास चार्ज होगा वो इसके पास होगा चार्ज, ठीक है, इसके पास अगर पॉजिटिव है तो उसके पास भी पॉजिटिव है, अगर इसके पास नेगेटिव है तो इसके पास भी नेगेटिव होगा, ठीक है। देन थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल, मींस जो चार्जेस हैं वो बैलेंस्ड हों, ठीक है, अगर इसके पास पॉजिटिव है तो इसके पास भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन। अगर ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का जो नेचर होगा वही इसका होगा, इसमें चाहे अगर पॉजिटिव है तो इस पर भी पॉजिटिव होगा, क्लोरीन इसमें नेगेटिव है तो इस पर भी नेगेटिव होगा, ब्रोमीन इसमें जो चार्ज है इसमें भी वही ही चार्ज होगा, तो मींस इसका नेचर सेम होता है और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैटर नहीं करता, बट जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जो वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।